अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मिंट मोहितो। इसके लिए एक लेमन ले लीजिए और उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। मेक श्योर कि आप इसका सीड जो है ना, इसके बीज ज़रूर निकाल लीजिए, वो नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग इसमें लाइम भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं लेमन से यूज़ करती हूँ क्योंकि लाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा कड़वा लगता है। अभी ग्लास लीजिए, उसमें डालिए पिंच ऑफ सॉल्ट। और उसके बाद जो हमने ये लेमन के पीसेस बनाए हैं छोटे छोटे, 4-5 पीसेस, ये डाल दीजिए। अब इसमें डालिए 1 टीस्पून ऑफ शुगर। इससे बहुत ही बैलेंस और मज़ेदार सा टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर डालिए। समर के लिए ना ये मस्ट ड्रिंक है, ठीक है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं 6 to 8 पीसेस ऑफ मिंट लीव्स भी डालती हूँ, जो पुदीने के पत्ते होते हैं। अगर आपके पुदीने के पत्ते छोटे हैं ना, तो 8 से 10 ले लीजिए। भर के डालिए इसमें आइस क्यूब। अच्छा, आइस क्यूब डालकर मैं इन दोनों ग्लासेस को जॉइन करके ना शेक करती हूँ। आप भी इसी तरह 2 ग्लासेस ले लीजिए और कुछ तरह शेक कीजिए। जिस तरह शेक 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 किया जाता है ना, उससे लेमन का जूस भी निकल आता है और मिंट भी थोड़ा क्रश हो जाता है। सब कुछ चीज़ें आपस में घुल मिल जाती हैं, तो ज़रूर इस तरह शेक कर लीजिए। और उसके बाद ये जो ग्लास में अगर मिंट लीव लगा रह जाए, तो ये भी वापस से डाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। तो कोई सा भी सोडा डाल सकते हैं, यूजुअली वाइट सोडा, जैसे 7-Up, स्प्राइट या जिंजर एल। तो मैं इसमें डालती हूँ स्प्राइट, क्योंकि एक्चुअली स्प्राइट का टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो ठंडा रहना नोश कीजिए, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।